नमस्कार किसान साथियों, ये देखिए जो हमारा खेत है इसमें काफी अच्छी ग्रीनरी है, काफी हरियाली है। ये किस वजह से है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी फसल में, जरा भी गेहूं की फसल में पीलापन दिखाई दे रहा है, तो पीलापन को दूर करने के लिए आप अपनी गेहूं की फसल में एक स्प्रे कर लें। जैसे कि ये फसल आपको दिखाई दे रही है, 35 दिन की फसल हो चुकी है। जब आपके गेहूं की फसल 35 दिन की हो जाए, तब आप एक स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इस तरह की हरियाली आपकी भी गेहूं की फसल में हो जाएगी। ये मैं स्प्रे आपको बता रहा हूँ जो है मात्र सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। इसमें आपको यूरिया लेनी है 2.5 किलोग्राम, यानी 2.5 किलोग्राम आपको यूरिया लेनी है, और उसके साथ में आपको लेनी है जिंक। जिंक आपको लेनी है 29% वाली, और इन दोनों को मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने से ठीक पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिंक और यूरिया का घोल अलग अलग आपको तैयार करके एक में मिक्सअप करना है, मिला लेना है, इसके बाद आपको स्प्रे करना है। स्प्रे का जो पानी का डोज आपको रखना है वो 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है, और अच्छी तरह से आप शाम के समय, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सूरज ढल चुका है, तो इस समय आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करेंगे तो उसका बेहतर आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे मित्रों में शेयर करें। आप अपनी गेहूं की फसल के पीलेपन को कैसे दूर करते हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।